बैंड बाजा बजाइए। शांति से सुनिए अमीश देवगन जी, हिम्मत है अमीश देवगन आपके चैनल में तो मेरी आवाज शांति से सुनिए, डरिए मत अमीश देवगन आप। अरे इस प्रकार की नीति मत करिए अमीश देवगन, अमीश देवगन में हिम्मत है कि नहीं पहले मैं ये देखना चाहता हूं। मेरी हिम्मत को आप क्यों ललकार रहे हैं? मेरी 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 हिम्मत की क्या बात है? आप दोनों मेहमान हैं, दोनों की बात रखिए। संबित जी को बोलिए, देखिए सुमैया जी आप उनको 40 सेकंड का वक्त दीजिए। सुमैया जी होल्ड ऑन, बोलिए आप संबित। अमीश देवगन मैं यहां एक बात बताऊंगा, हजारों करोड़ों दे, नहीं गुस्से में आऊंगा, मैं बताता हूं क्यों गुस्से में आता हूं। अमीश देवगन आप जैसे और यहां बैठे सभी हिंदुओं के जो मैं कहूंगा कापुरुषता के कारण हिंदुस्तान हमेशा झुका है। मैंने डिबेट में क्या बोला? मैंने बड़े आदर से कहा अगर एक नमाज कक्ष खुला है तो एक हनुमान जी के लिए भी कक्ष खुल जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, एक गिरजाघर भी खुल जाए, एक अगर अरदास करने के लिए गुरुद्वारा भी खुल जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर समाजवादी पार्टी मुनव्वर राणा जी की बेटी आके मुझे तू तड़ाक करके गाली देके चली जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अल्लाह अकबर पर और नमाज कक्ष पर एक शब्द कहने के लिए। यहां बैठे सब हिंदू और आप भी रमेश देवगन, मैंने उनको रोका, क्योंकि आप सबको देखिए विषय यह है कि मैंने उनको रोका, तू तड़ाक दी गई, मैंने उनको रोका। सुनिए मेरी बात, ये सदियों से ये हिंदू जो है ना ये एक सेकंड के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। दम नहीं है आप लोगों में, दम ही नहीं है, दब जाते हैं आप लोग, दब जाते हैं हम लोग। क्यों? कौन सा अन्याय की बात मैंने कही? मैंने सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास की बात कही। मुझे 40 सेकंड, मुझे 40 सेकंड बोलने का मौका दिया जाए मैं बिल्कुल बोलूंगा और चुप नहीं रहूंगा। सुनिए मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला, मगर फिर भी यहाँ आके सूत्रा ये मुनव्वर राणा जी के खिलाफ एक शब्द बोल सकती हैं? वो मुना ये बेटी जो अपने पिता, जो पिता पाकिस्तान परस्त है, जो पिता यहाँ तालिबान के लिए हमेशा खड़ा है, जो पिता हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, मुद्दा है। मैं उसके साथ उस परिवार के साथ डिबेट नहीं कर सकता जो परिवार, ये मूर्ख परिवार जो परिवार हिंदुस्तान का खाता है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोठे पे बता, अरे आप तो महिला है, आपके पिता ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वैश्या बताया, आपके पिता ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वैश्या बताया, कोठे पे बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया, उसके बाद ना उसके परिवार के साथ मैं डिबेट करूं? ये पढ़े लिखे डॉक्टर के लिए हरण का विषय है। ऐसे परिवार के साथ जो तालिबानियों का समर्थन करता हूं, ऐसा परिवार जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वैश्या बताता करूंगा, करूंगा, हिंदुओं के लिए खड़ा भी रहूंगा। आपको क्या लगता है नमाज का परिवार के साथ हिंदुओं को भगा देंगे? आप यहां अल्लाह अकबर बन के, आप यहां अल्लाह अकबर बोल के यहां पर हर हर महादेव वालों को भगा देंगे? बिल्कुल नहीं भगाऊंगा, बिल्कुल नहीं भागूंगा, डट के रहूंगा हिंदुओं के अधिकार के लिए, देश के लिए लड़ूंगा। याद रखिए और मुनव्वर राणा जी को लास्ट तक एक्सपोज करूंगा। मुनव्वर राणा चौधरी मुकेश शर्मा जी जी पुष्पेंद्र चौधरी मेरे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी पहले तो माफी, आपके पास लेट आ रहा हूं मैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है ये पॉलिटिकल मंच ज्यादा था, किसान मंच कम था? बस मुझे 2 मिनट दे देना अनइंटरप्टेड, क्योंकि काफ़ी बातें हो गई हैं। जी जी। देखिए जब भी कोई सरकार जनता के विरुद्ध नीतियां बनाएगी तो जनता निश्चित रूप से उसके खिलाफ जाएगी, आंदोलन करेगी, अपनी बात मनवाने की बात करेगी। यदि उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो अगली बार उसको हराने का काम करेंगे, उसको वोट के माध्यम से चोट देंगे, और वोट के माध्यम से ही यहाँ पर जो है सरकारें बदली जाती हैं। यहाँ कोई तालिबानी शासन तो है नहीं कि बंदूक लेकर के किसी को कोई हटा दे। तो यदि सरकार हमारे पक्ष की नीतियां नहीं बना रही है, हम 9 महीने हो गए वहां बैठे बैठे, 600 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई, अब गन्ना भुगतान की बात आई, गन्ने की जो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह रहे थे गन्ने का 450 रुपये का रेट इन्होंने कहा था जब ये 2017 से पहले, आज तक नहीं दिया गया, 325 रुपये का रेट है, गन्ने का भुगतान सारा नहीं हुआ है जी, बिजली के रेट बेतहाशा पड़े हुए हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये महापंचायत हुई थी, और यदि हमारी बातों को नहीं मानती है, लीगल गारंटी MSP के नहीं देती है, कानून वापस नहीं लेती है, तो भाई हम बार बार इस सरकार को जो है 300 सीटें थोड़ी देते रहेंगे, हम इनके विरुद्ध जो है जाकर के वोट करेंगे। यही हमारा मकसद है, इसी मकसद को लेकर के मिशन यूपी का आगाज किया गया है, क्योंकि 4 महीने 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव होने जा रहे हैं। जी
लेकिन आपने तो बंगाल में भी करा, लेकिन बंगाल में भी इनका वोट शेयर बढ़ गया। आपने तो असम में भी प्रयास किया, लेकिन असम में भी इनकी सरकार आ गई। क्या आपको लगता नहीं है ये जो कानून है ये ऑलरेडी सस्पेंडेड है, तो फिर ये आंदोलन चल क्यों रहा है? इस आंदोलन का पॉलिटिकल रंग ज्यादा देखने को मिल रहा है चौधरी साहब, और कहा जा रहा है योगी बाहर के हैं, मोदी बाहर के हैं, अमित शाह बाहर के हैं, ये बाहरी है, ये लोग उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं, द्वारा सस्पेंडेड है। बता जी 30 सेकंड और। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून को सस्पेंड किया गया था, और कभी भी अर्जी लग के उनको फिर से चालू किया जा सकता है। हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, हम चाहते हैं पूर्णतः इनको निरस्त किया जाए और एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। ठीक ठीक है, 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए पुष्पेंद्र चौधरी जी की बात। के माध्यम से बाहर करने की बात हो रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ, हाई सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, इन्होंने कमेटी में जाकर अपने ग्रीवेंस नहीं बताए, सरकार से बात ये बात करने का इनका अंदाज नहीं रहा। बात क्या करते सरकार से? अगर कल की पंचायत में जो मुजफ्फरनगर पंचायत हुई है, इन कानूनों के बारे में विस्तार से बात करते, किसानों की ओर इन्होंने तो बात नहीं करी। इनका टोटल और टोटल एजेंडा था पॉलिटिकल, इन्होंने पॉलिटिक्स पे बात करी। और रही बात बाहर के बताना, राकेश जी इतना बाहर घूम रहे हैं इतने सूबों में, ये खुद बाहर के हो गए और वो क्या बाहर बता रहे। अमीश जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वो उनकी मनोहर राणा की बेटी समाजवादी की जो है अभी 8-10 दिन पहले समाजवादी में आई है, मान्यवर इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने आदरणीय स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ क्या क्या किया है इन्हें पता नहीं है? ये कांग्रेसी हो समाजवादी हो, इनकी ही देन तो है जो किसान की हालत हो रही। अगर सरकार ठीक करने का प्रयास कर रही तो ये रोड़े लेकर खड़े होंगे, ये कंकर फेंक जी 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 जी, अलावा कुछ नहीं। ठीक है मुकेश शर्मा जी, 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में जवाब। संबित पात्रा और की भाषा बोल रहे, ठीक है मुकेश जी, 30 सेकंड, मेक योर पॉइंट। देखिए राकेश टिकैत का तो एजेंडा पॉलिटिकल है, वो तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनके एक मंशा है कि वो राजनीति में आए। मैं पुष्पेंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। देश सिर्फ ये जानना चाहता है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान की फसल के दाम कब बढ़ेंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी है सरकार कब देगी, ये जो तीनों काले कृषि कानून है इनको सरकार कब बिना शर्त वापस ले रही है नहीं ले रही है सरकार बता दे। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है किसानों का, किसान सीधा वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। वीरेंद्र जी 10 सेकंड, आपने क्यों नहीं हल कर दी समस्या? कांग्रेस का राज इतने दिन रहा है, चार चार पीढ़ी राज कर रही है कांग्रेस की, क्या क्यों कह रहे गए थे आप? आपको आफ्टर थॉट आ रहे हैं, आप किसान को इस बारे में क्यों नहीं किया? कई सब में जरूरत पड़ती आपने कार की बात जी 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 मैं संबित करूंगा। संबित पात्रा देन सुमैया जी, संबित आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आप